हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। और देखिए, अभी हम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, दो पार्ट। आज हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री। और थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है 1.5 घंटे का भी लेक्चर हो, 1 घंटे से तो ज़्यादा का होने वाला है। तो आपको पूरा लेक्चर देखना है, बिल्कुल जो है कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। उससे पहले मैं आपका 1 मिनट खराब करूंगा। वैसे मुझे टाइम जो है आप लोगों को खराब करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ने आया है तो उसका अगर 1-2 मिनट या 5 मिनट किसी की खराब होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 5-5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर भी मुझे लगा जो है मेरे मोटिवेशन के लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए। देखिए, किसी ने मुझे बोला था, निशांत है ये, इन्होंने मुझे बोला कि सर आप बहुत अंडररेटेड ट्यूटर हैं और आप जो है 100 गुना अच्छे हैं अनअकैडमी पर या और जगह कहीं भी क्लासेज मिलती है। देखिए, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से टीचर जो है मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं, ठीक है। ये आपने मुझे जो है अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपको थैंक यू। और ये चीज़ मैंने फिर बोला भी था, पूछा भी आप लोगों से कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो मैं आप मेहनत कर रहा हूँ वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है। तो आप लोगों के जो है सपोर्ट और जो आप लोगों ने कमेंट किए वो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, अंकित कुमार ने बोला कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स और ये सब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला था। देखिए, जैसे भी अभी हमारा HCS का प्रीलिम आप लोगों का खत्म होगा, इसके बाद जो है मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से आपको याद करने की चीजें बताऊंगा। आपको जो बहुत चीजें याद नहीं होंगी। अब अगर मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूछने लगूं तो आपको क्या फंडामेंटल ड्यूटीज याद है? एक से जो जितनी भी 12 है या जितनी भी ड्यूटीज है हमारी, क्या आपको सारी ड्यूटीज याद है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं याद होंगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह आपको याद करनी है। विद इन 5 मिनट आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएंगी और कभी भी आप गलती भी नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइन से याद हो जाएंगी। तो ये चीजें मैं आपको सिखानी है, बस थोड़ा सा टाइम रुक जाइए। मैं आपको ये जो है मैं ये चाहता हूं कि अगर 10 मिनट आप मेरी वीडियो देखें तो 10 मिनट आप कुछ सीख के निकले यहां से, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता रहा था कि जैसे अविनाश जॉनसन ने भी बोला, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सैल्यूट टू योर डिजिटल गुरुकुल चैनल, ठीक है। और सुधा शर्मा ने तो बहुत अप्रिशिएट किया, ये हमारी जो है रेगुलर फॉलोअर है, ये काफ़ी जो है चैनल पे बहुत जो फॉलो करती है, आंसर्स भी देती हैं। इन्होंने बोला सर मैंने काफ़ी बार बोला है कि आप नो बिजनेस नो टाइम वेस्ट। एक बिजनेस की बात बताता हूँ, मेरे पास जो है 4-5 जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस है और उसकी जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर आप प्रमोट कीजिए अपने चैनल पे। देखिए, लेकिन हमारा मोटिव वो नहीं है। अगर मैं आपको 10 मिनट की वीडियो दूं और उसमें मैं 5 मिनट प्रमोशन करूंगा तो उस चीज़ का क्या बेनिफिट है? ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ जो है इसलिए अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी मैं सुबह देखिए वीडियो, मेरा सबसे पहला काम होता है जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं मुंह धोते ही जो है सबसे पहले अपना लैपटॉप खोल के देखता हूँ कमेंट कितने आए हैं, और मैं सभी को कमेंट करता हूँ जो मुझे लगता है कि रेलिवेंट है, इसको कमेंट करना चाहिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, और देखिए कमेंट पढ़ने से ही आगे जो है हिम्मत मिलती है कि आज उठ के जो है वीडियो फिर से आपके लिए बनानी है, आज कुछ ऐसा करना है ताकि आपको जो है उस मेहनत का फायदा मिले, ठीक है। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करना, कमेंट करना, और कोई दिक्कत नहीं। और आप कुछ कीजिए मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ पसंद आए, 10 में से 1 भी चीज पसंद आए या 10 वीडियो में से 10 वीडियो पसंद आई तो 1 पे भी आप कमेंट कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यू आर कंटेंट इन माइंड ब्लोइंग और ये सब, यानी कि काफी जो है अप्रिशिएट किया है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ, और तो मैं क्या, इतना ही थैंक यू मेरे लिए जो है ये एक बहुत बड़ा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कुछ लोगों को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो राघव अग्रवाल हो गए, निलंजना डे, ये बहुत रेगुलर फॉलोअर हैं और ये तो एडवाइस भी देती रहती है कि सर ऐसा करो, और ये बहुत अच्छी बात है, आप एडवाइस भी दीजिए कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं जो है, विकास पोकले जो है हिमानी में, तो ये भी मोहिनी सिंह, ये सब रेगुलर फॉलोअर्स है, और अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो इंसान जो है और मेहनत से आपके लिए काम करेगा। चलिए, काफी टाइम वेस्ट कर दिया, स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, और केमिस्ट्री में देखिए कुछ भी चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है, कुछ भी चीज छोड़नी है, पूरी वीडियो देखनी, थोड़ी बड़ी हो सकती है ये, लेकिन ये वीडियो आपको देखनी है। बहुत चीजें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको याद करने की, कुछ जो है डायरेक्ट फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो पूरा याद करना है इसको, ठीक है। बड़ी हो जाएगी 1 घंटे, लेकिन 1 घंटे में जो है पूरी आपको कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोजियर, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको बोला जाता है, LAVOISESIER, लेवोजियर, ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। अगर आप देखिए, अब हम बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज होगी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया था न्यूटन है।
ठीक है, तो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मेटल्स, आपने पता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल है, नॉन मेटल है, सारी चीजें हैं, उसमें गैस भी है एक, ठीक है, डिफरेंट सॉरी इनर्ट गैसेस भी हैं, लिक्विड भी है, लिक्विड का भी एक नाम बताऊंगा जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है। तो मेटल्स की बात करें तो देखिए सभी मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपका जो मरकरी होता है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड पे, यानी कि वो जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। सभी मेटल जो है हार्ड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। आपका कोई भी मेटल हो गया, कॉपर हो गया या कोई भी हो गया, जो आपने देखा होगा हीट को, लाइट को कितना अच्छे से जो है कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो गुड कंडक्टर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका मेटल है, अगर आप मेटल को गर्म कर देंगे, ठीक है, आपने इस मेटल को गर्म कर दिया, ये बर्नर लगाया, आपने गर्म कर दिया, अब मेटल जब गर्म होता है तो याद रखिए, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है, जो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, ये बात याद रखिए। कैसे याद रखेंगे आप, सपोज कीजिए ये मेटल है और यहां पे आयंस है ये, ठीक है, ये आयंस है, जब इनको जो है, जब ये आयंस जब इधर से इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अभी सारे आयंस इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, तो जो आयंस थे ये इधर उधर जो है डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ही मेटल को हीट करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, याद रखना इस चीज को, इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है, या कॉन्स्टेंट भी नहीं रहती। दूसरा बात करें हम नॉन मेटल की, ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं इनमें जो है लस्टर नहीं होता, यानी कि एक चमक और एक जो शाइनीनेस नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन, कोई भी नॉन मेटल जो होता है वो उसमें लस्टर नहीं होता, सिर्फ आयोडीन में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मरकरी का एक केस था मेटल में, नॉन मेटल में आयोडीन का एक केस है, क्योंकि कोई भी मेटल जो है डू नॉट प्रोजेस लस्टर, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं, जो मेटल नहीं होते, उनमें जो है कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी बहुत कम होती है, यानी कि पुअर पुअर कंडक्टर इनको बोला जाता है। एक्सेप्ट, यहां भी देखिए एक एक चीज जो है एक्सेप्ट, ये है जो है याद रखनी है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा है जो नॉन मेटल भी है और उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें याद रखनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, मेटलॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं ऐसे जो ऐसी, यानी कि कोई भी मटेरियल जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, या फिर आपका बिसमिथ हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये मेटलोइड्स होते हैं, इनकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या, सबलाइम सब्सटेंस, देखिए सब्लिमेशन का प्रोसेस आपको पता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने कपूर देखी होगी, जब आपके पूजा करते हैं तो कपूर होती है, ठीक है, कपूर को जलाते हैं तो वो सीधी सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और जो ऐसे या मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं सबलाइम, ठीक है। तो कुछ सबलाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे नेप्थेलिन हो गया, कपूर तो मैंने बता ही दिया, नेप्थिलीन हो गया, उसके अलावा आयोडीन हो गया, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। दो तीन बार वीडियो को देखेंगे, अपने नोट्स बना देंगे, नोट्स भी नहीं बनाएंगे तो वीडियो को जो है स्टोर करके रख लीजिए, और तीन चार बार जो है स्पीड में देख लीजिए, एक बार आप आराम से देखिए, फिर जो है तीन बार चार बार स्पीड में देखिए, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको एक दिन में ये वीडियो 10 बार भी देखनी पड़े, और अगर ये पूरी जो है चीजें आपको रिवाइज हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत मैटर करती है, बिल्कुल ये टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत जो है एक टाइम आपका काम आने वाला है। अब देखिए नॉर्मल, देखिए बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी अल्कोहल होती है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो है उसका कितना होता है, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे ही बॉइल हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। लेकिन पानी का कितना होता है, 100 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है पानी की, 4 डिग्री। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है, अब नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो एक तरह से अगर माना जाए तो स्मॉलेस्ट, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम है,
प्लस साथ में लाइट टेस्ट भी है। हाइड्रोजन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल पे नंबर वन पे आता है हाइड्रोजन, तो स्मॉलेस्ट भी है और लाइटेस्ट भी है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक वैल्यू पता होनी चाहिए, एक मोल की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। एक मोल की होती है 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, याद रखिए एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब पूरा मैं डिटेल जब कराऊंगा ना आपको, पूरी केमिस्ट्री या फिजिक्स जब आपको एक एक चीज बताऊंगा, एवोगैड्रो नंबर होते क्या है, बहुत डिटेल देखिए वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो जर्नलिस्ट वाला एग्जाम है, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.023 इंटू 10^23, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं। एक मोल की वैल्यू भी इतनी होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। जब मैं डिटेल में कराऊंगा तो एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, अभी एग्जाम नजदीक, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप चीजें समझ रहे। इसके अलावा देखिए कोई भी आपने जैसे कार्बन देखा होगा, यहाँ 6 देखा होगा, यहाँ 12 देखा होगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन देखा होगा, ऑक्सीजन देखा होगा, 8 देखा होगा, यहाँ 16, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, ये मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये क्या होता है, ये होता है एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर इसको बोलते हैं, और ये होता है ऊपर वाला मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करता है कि इस कार्बन के अंदर कितने जो है कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होते हैं, तो 6 अगर यहां पे मास जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब इसके इस जो ये भी कार्बन है इसके 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है इक्वल होता है। अब ये आ गया मास नंबर, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जो 12 दिखाई देता है जिसको मास नंबर बोलते हैं, ये पूछा जाएगा, इसलिए बता रहा हूं, कोई ऐसे फर्जी चीज नहीं बता रहा हूं, ये जो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 6 क्या है, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोथ है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, हमेशा आप याद रखिए, सम ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं हम, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कितना क्या बोलते हैं, मास नंबर। अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन का यहां 6 है, यहां पे 12 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से अगर कोई आपको बोले न्यूट्रॉन निकालो तो कितने होंगे, तो 12 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। काफी बार ये उल्टी भी हो जाती चीजें, कैसे, जैसे मैं मान लो एन का बोलता हूं कि यहां पे 7 है और यहां 15 है, ठीक है, तो इस केस में प्रोटॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7, लेकिन आपके न्यूट्रॉन कितने हुए, 8, ठीक है, क्योंकि 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, तो आंसर आपका न्यूट्रॉन होंगे 8। तो ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, एक नंबर दे देंगे आपको यूरेनियम 235, यहां पे दे देंगे 510, जो भी जितना भी दे देंगे आपको, ठीक है, 530 545, जैसे ये है यूरेनियम 235 होता है, यहां पे दे देंगे आपको 480 दे दिया आपको, या 490 दे दिया, 490। तो अब निकालिए इसमें से, पूछेंगे इसमें से निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर चीज समझ नहीं आती तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर जो समझिए, वीडियो का यही बेनिफिट है, क्लास टीचर का यही लॉस है कि एक बार जिसने बोल दिया वो समझ नहीं आता, निकल गया तो निकल गया, आपका दिमाग हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन वीडियो का यही फायदा है कि आप बैक जाके और चीजें एक बार दोबारा समझ सकते हैं। अब देखिए आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि कार्बन 6 है, यहाँ 12 है, दूसरा मैंने लिखा कार्बन 6 13, मैंने तीसरे लिखा कार्बन 6 14। अब देखिए ये सारों के जो है, ये आपको जो एटॉमिक नंबर सेम है, तो जो भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी अगर एटॉम या कोई भी बोलें कि कोई भी यानी कि कार्बन है या कोई भी मटेरियल है, ठीक है, या फिर जो भी एटॉमिक टेबल में है, तो उसके अंदर जो सबका जिसका जो है सेम एटॉमिक नंबर होगा तो उनको बोल देंगे आइसोटोप। तो ये तीनों जो है आइसोटोप्स हैं, किसके आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं अलग अलग, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, सपोज कीजिए ये है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं आर्गन, ठीक है, 18 मैंने ले लिया, 40 मैंने पोटासियम ले लिया, 19 40, कैल्शियम ले लिया मैंने 20 40। देखिए आइसोबार्स में क्या है कि जो मास नंबर होगा वो सेम होगा, उसको बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। तो ये तीनों आइसोबार्स हैं, ये तीनों क्या थे, आइसोटोप्स।
आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार्स जो है आपका मास नंबर सेम, ठीक है। अभी तीसरी चीज पे आते हैं, आइसोटोन्स हम पढ़ते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन में क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, मास नंबर पढ़ लिया, बचा क्या, न्यूट्रॉन। तो जिसके भी न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। कैसे, देखिए कार्बन मैंने लिया 6 और 14, यहां पे मैंने नाइट्रोजन लिया 7 और 15, मैंने ऑक्सीजन लिया 8 और 16। अब देखिए दोनों घटाइए, कितना आया, कितना आया 8, यहां पे घटाया कितना आया 8, यहां पे घटाया कितना आया, ठीक है, यहां पे कितना 16, हाँ 8। तो तीनों के जो है न्यूट्रॉन सेम आ गए, तो जब न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो किसको, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एनर्जी का जो एक, ये वैसे मैंने पहले भी देखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, गलती नहीं करनी आपको। स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, ये देखिए स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे कॉस्मिक रे, यहां पे आएगी कॉस्मिक रे, फिर मैंने लिख दिया गामा रे, फिर मैंने लिख दिया एक्स रेज, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर मैंने आपका लिख दिया विजिबल। अब विजिबल में कौन सी आता है, विबग्योर, जो आपका पूरा होते हैं ना, विबग्योर वाला पार्ट पूरा विजिबल में आएगा, ठीक है। क्या ये विबग्योर तो पता ही होगा ना, रेनबो जो हमारा होता है, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रारेड, यहाँ पे मैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, और मैंने यहाँ पे लिख दी रेडियो, ठीक है, रेडियोवेव्स। अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इनकी सीक्वेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी की, और ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक आप बना लीजिए। देखिए ये वाले जो टर्म है ये सारी ऐसी हैं जो छोटी छोटी, गामा, एक्स रे, यूवी रेज, ठीक है। जब विजिबल पे आए, विजिबल बीच में आएगी, विजिबल बीच में आएगी, तो विजिबल के इधर क्या होंगे, जो ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं होंगे, एक आईआर ही है, उसके अलावा माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है। यहां भी इसको भी लिखेंगे पूरा तो इंफ्रारेड आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो छोटे वाली शॉर्ट फॉर्म है, देखिए विजिबल के दोनों साइड शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इंफ्रारेड प्लस यूवी, ये चीज तो आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे जो एक्स रेज और गामा रेज, यहां पे माइक्रो, यहां पे शॉर्ट वेव, यहां तो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक एक वर्ड की ही कोई ऐसी जो है रेज है, यहां पे बड़ी बड़ी माइक्रोवेव, रेडियो। तो ऐसे आप एक बार दिमाग बंद कर दिए, आंखें बंद करके सोचिए, विजिबल रेज मैंने क्या बताया, दोनों साइड में विजिबल रेज के क्या होंगी, राइट साइड में, दोनों साइड में क्या होंगी, शॉर्ट फॉर्म। तो एक साइड, लेफ्ट साइड में यूवी है, राइट साइड में आईआर है, और फिर और राइट साइड में जाएंगे तो माइक्रोवेव और जो आपकी रेडियो वेव्स हो गई, और लेफ्ट में हमारी गामा और एक्स रे। तो ऐसे दिमाग में याद रखनी चाहिए, एक बार आप दिमाग बंद करके याद करेंगे ना, तो दिमाग हमारा जो है ना बहुत तेज है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है, तो ये तो कुछ भी याद कर सकते हैं, तो बहुत छोटी चीज है। अगर हम जब इधर से इधर आते, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, तो ये जो है इधर जो है एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, याद रखिए एनर्जी बढ़ेगी, इधर की साइड ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है गामा रेज से कम होगी, गामा रेज की कॉस्मिक रेज से कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, कॉस्मिक रेज की, फिर उससे कम किसके, गामा। तो ऐसे, लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन है, तो वेवलेंथ जो है इधर की साइड आपकी बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ आपकी इधर साइड बढ़ेगी, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जैसे रेडियो वेव्स की हो गई, ठीक है। उसके अलावा जैसे वेव्स की देखिए लेंथ अगर बड़ी होगी, मैंने आपको बताया वेव्स की अगर लेंथ बड़ी होगी तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, वो कम दूर तक जा पाएगा। जैसे आपका लेजर वगैरह यूज करते हैं ना आप घर में, जो बाजार में मिलती है 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, बच्चे खेलते हैं लेजर, तो लेजर क्या करता है, दूसरी दीवारों तक, दूसरी दीवारों तक एक डॉट क्रिएट कर देती है। वो यही कारण होता है कि जो उसकी वेव लेंथ होती है ना वो छोटी छोटी होती है, जितनी छोटी होगी तो उसकी जो है वेव की लेंथ कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, तो दूर तक वो पेनिट्रेट कर सकती है। जैसे हमारी जो सूरज की किरणें हैं वो शॉर्ट वेव्स में आती हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव्स में आती है, इसलिए वो सूरज कितनी दूर है, सोचिए सूरज कितनी दूर है तब भी 8 मिनट में सारी रेज पहुंच जाती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी उनकी वेव लेंथ छोटी होगी, ठीक है, सॉरी वेव लेंथ जो है छोटी होगी, हाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी भी उनकी ज्यादा है। तो ये बात आप समझ के जो है कोशिश कीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो इसको रट्टा मार लीजिए, इस पूरी सीक्वेंस को एक बार एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रट्टा मार लीजिए तो इसे समझ आ जाएगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग ज्यादा होती है, तो जैसे गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ दो इफेक्ट्स के बारे में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं आपको ये वाले, देखिए मैं बताता रहूंगा कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थोड़ी कम है, तो आप जो उसी हिसाब से फोकस कीजिए। एक होता है जीमेंस इफेक्ट, जीमेंस इफेक्ट, एक होता है स्टार्क,
स्टार्क्स इफेक्ट, ठीक है। इसमें होता है क्या, जीमेंस इफेक्ट में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक स्पेक्ट्रल लाइन, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेंड फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स है यहाँ से, ठीक है, नॉर्थ साउथ, मैंने बताया था नॉर्थ से साउथ तो जाती है बाहर, अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस बना लेते हैं, ये देखिए मैग्नेट होगी नॉर्थ साउथ, ऐसे यहाँ से गई, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से गई, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बन गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस में बोलते हैं व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन जो है मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाएगी, तो ये कहते हैं स्प्लिटेड इंटू, ये कह रहे हैं अलग अलग जो है उसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कैसे, एक सेकेंड, यानी कि जैसे ही आपकी ये जब भी कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अलग अलग फाइन जो लाइंस हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ उसी स्पेक्ट्रल लाइन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट, और जी जो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जीमेंस इफेक्ट, ठीक है। बहुत डीप डीप वाला कॉन्सेप्ट है, इतना समझने की जरूरत नहीं, मैंने जब बता दिया जीमेन इफेक्ट स्टार इफेक्ट, तो अगर आए तो आप समझ जाइए किस चीज़ से रिगार्डिंग है, ठीक है, लाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये थोड़ा मैं आपको अनइम्पोर्टेंट बात बताइए, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देखिए कौन लेके आया था, मेंडलीव्स का नाम सुना होगा, मेंडलीव्स जो है पीरियोडिक टेबल लेके आया था, और पीरियोडिक टेबल में देखिए क्या था, जो आपके हॉरिजेंटल लाइन्स हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इनको ग्रुप बोलते हैं। अब जो मॉडर्न, पहले देखिए मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल लेके आए थे वो अलग थी, लेकिन बाद में जो डिस्कवर हुई मॉडर्न जो हुई, तो उसके अंदर क्या है, 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए ग्रुप्स जो है ये डिवाइड होते हैं, ये अब किस में डिवाइड होते हैं, जैसे एस पी डी एफ, ये ब्लॉक्स होते हैं, आपने देखे होंगे एसपी, जब ये निकालते हैं ना, ये पूरा जैसे कार्बन का 7 नंबर है, 7 नंबर 2 5, ठीक है, तो एस पी डी एफ ऐसे अलग निकाले जाते हैं एटम, पूरे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपने 12th में अगर पढ़ा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझ लीजिए। जो एस पे आता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो एफ पे आते हैं, सॉरी पी पे आते हैं, पी पे बोलते हैं इनर्ट गैस। मैं आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ, पॉज करके वीडियो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या होती है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ एक्चुअली मुझे भी लग रहा था मैं एक गलती कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ये डाउनलोड की मैंने, कि जो मैं आपको बोल रहा था कि जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, देखिए ये ग्रुप्स होंगे सारे ऐसे 18, ये ग्रुप्स होते हैं, और ये वाले जो वर्टिकल लाइन्स होती है इनको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है, तो 7 पीरियड्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियोडिक टेबल से अलग निकले हुए हैं, ये पीरियोडिक टेबल में इनको जो है अभी एंटर नहीं किया गया, और उसके अलावा ये ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनर्ट गैस नजर आएंगी, इधर यहाँ पे इनर्ट गैस नजर आएंगी, और अलग अलग मेटल से नजर आएंगे, नॉन मेटल से नजर आएंगे, तो ये हमारी होती है पीरियोडिक टेबल, याद रखिए इस चीज को, दो चीजें याद रखनी, पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं 18, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए बेटर है वीडियो, अदरवाइज जब डिटेल कराएंगे तो फिर जो वो तो कराना ही है, फिर डिटेल में आपको अच्छे से कराएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एवरी रिलीज सॉरी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटेड आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ईए लिखते हैं, ये कहते हैं जब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कोई भी आप किसी भी जो है आइसोलेटेड गैस एटम, ये कोई गैस एटम है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, ये पूरा केमिस्ट्री का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेंगे तो कुछ जो है एनर्जी रिलीज होगी, जो ये एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, क्लोरीन यानी कि किसकी जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि कौन सी गैस है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सबसे ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज करेगी, तो वो है क्लोरीन, क्लोरीन याद रखिए। इसके अलावा दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे तो ऑर्बिट बॉन्ड्स होते हैं, 4-5 बॉन्ड्स बताऊंगा, मेजर दो बॉन्ड्स हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, और दूसरा होता है कोवेलेंट, ठीक। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब बॉन्ड सेम
और डिफरेंट एटम बाय म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आयोनिक का बताता हूं। आयोनिक में क्या होता है, देखिए जैसे NaCl है, ठीक है, अब NaCl कैसे बनेगा, जब नाइट्रोजन का, ठीक है, क्लोरीन में देखिए कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होता है, नाइट्रोजन में ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन जो है क्लोरीन को दे देता है, तो जो भी देता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो लेता है वो नेगेटिव। तो ऐसे लिखा जाता है NaCl, NaCl नेगेटिव, ऐसे। क्यों, इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन ने अपना एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनता है जब कोई एक देता है कोई भी इलेक्ट्रॉन और दूसरा ले लेता है, उसको बोलते हैं। तो यही है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, तो उस केस में आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो एन ए और जो सी एल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये बनता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि दोनों जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे कि यहां कार्बन है, कार्बन है, सपोज कीजिए कितने हैं, कार्बन में कितने होते हैं, छह, ठीक है, कार्बन में छह हैं, चाहिए कितने, दो और चार, यानी कि चार की रिक्वायरमेंट है, तो चार इसको कहीं से लेने पड़ेंगे। दो तो ये वाली टेबल इसकी फिल है, देखिए एक टेबल वाला सिस्टम होता है जिसमें SPDF बता रहा हूं, पहले दो भरते हैं, फिर आठ, आठ, 18, ऐसे सिस्टम चलता है। तो छह इसका एटोमिक नंबर है, तो दो और चार जाएगा, तो दो तो हो गया कंप्लीट, चार में चार को कितने चाहिए, चार और चाहिए ये वाला कंप्लीट करने के लिए, तो चार ये किसी और से ले लेगा। एक किसी और कार्बन भी है या किसी और को भी चाहिए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का बताता हूं आपको। ऑक्सीजन में आपने O2 सुना है, O2, ऑक्सीजन कभी भी जैसे O नहीं दिखाई देगा, O2 दिखाई देगा, उसका रीजन क्या है, ये देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, 8, एटॉमिक नंबर 8। अब देखिए 8 से मैंने बताया सीरीज कैसे बनती है, 2, 8, 18, ऐसे सीरीज बनती है, यानी कि पहले में दो होने चाहिए, तो इसके अगर दो निकाल देंगे तो दो कंप्लीट हो गए। अब इसमें कितने हैं, छह बच गए, तो यहां कितने होने चाहिए, तो आठ, लेकिन इसके पास है कितने, छह। तो इसी तरह ये क्या करेगा, जब ये ऑक्सीजन होगा और एक ये ऑक्सीजन होगा, तो इसके पास यहां पे छह, यहां पे है छह, यहां पे है दो, इसने यहां पे शेयर कर लिए, तो अब इसके पास टोटल कितने हो गए, छह प्लस दो आठ, इसके पास भी कितने हो गए, छह प्लस आठ, तो ये O2 जो है एक तरह से बॉन्ड बन जाएगा। O2 के बीच में जैसे बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग होती है। आयनिक में एक दे देता है दूसरा ले लेता है, कोवलेंट में दोनों शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझने की बात है, ये समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो है डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, मैंने अभी बताया, जिसमें कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूं बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली का कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें जो है ट्रांसफर भी होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिए, एक है सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिंबल होता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, लीनियर जो है ओवरलैपिंग होती है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन आपका जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, साइड वाइज जो है ओवरलैपिंग होती है, यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। कुछ ज्यादा दिमाग में रखने की बात नहीं, जो बस बता रहा हूं उसको, चीजों को समझ लीजिए, उतना ही बहुत है। पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो है एक तरह से जो ओवरलैपिंग होती है वो लीनियर फेज, लीनियर वे में होती है, इस केस में साइड वाइज होती है, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका एटम है उससे, या फिर बोलें कि एनर्जी टू रिक्वायर्ड ए मोल, वन मोल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी जो है एक, ये सपोज कीजिए वन मोल है ये, अब इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो इस तरह अगर बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको ज्यादा, उसको कम एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड होगा तो सिंपल सी बात है, ये जैसे बोलते हैं कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, ट्रिपल बॉन्ड को और एनर्जी चाहिएगी, तो सब ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को एनर्जी, फिर डबल को, फिर जो है सिंगल को, तो इस तरह एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस लिए, एक मोल जो है उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसको बोलते हैं मोल जो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, चीजें समझ आ रही तो बताइए, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो देख लीजिए वीडियो, मेरा तो काम है मेहनत करना आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे एसिड के ऊपर, अब करेंगे बात एसिड, थोड़ी वीडियो लंबी जाने वाली है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना ही है। एसिड क्या होता है, जैसे टेस्ट में भी जो है खट्टे खट्टे से होते हैं, ठीक है, टेस्ट में सोर होते हैं,
और उसके अलावा देखिए इसका एक और बात है कि अगर जो एसिड एसिड को जो है जो लिटमस पेपर होता है, अगर उस पे एसिड को डालेंगे ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। अगर ये रेड कलर में हो रहा है लिटमस पेपर पे, अगर आप एसिड डालेंगे, अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था, इसका मतलब वो एसिड है। अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, बेस। ठीक है, वो बेस होगा, पर अभी हम एसिड पढ़ रहे हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर दूसरी बात है कि अगर लिटमस पेपर पे, ठीक है, अभी तो क्या डाला आपने, एसिड डाला था, अब क्या है कि मिथाइल ओरेंज अगर पिंक में, देखिए इसी तरह मिथाइल ओरेंज पे अगर डाला जाएगा तो अगर वो पिंक में कन्वर्ट हो जाए, मिथाइल ओरेंज पिंक में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी एसिड ही होगा। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं एसिड चेक करने के। अब कोई मटेरियल, कोई भी चीज मैंने दे दिया, आप बताओ एसिड है या बेस है या क्या है, न्यूट्रल है, कैसे पता करेंगे, लिटमस पेपर पे जो है उसको डालते हैं और उससे पता करते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए, और एसिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये डोनेट कर सकते हैं, डोनेट प्रोटोन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए आपको पता होने चाहिए नाम वगैरह, ठीक है, या नाम ये इस मटेरियल, इस भी इस जो चीज भी है, जो भी फूड आइटम है या जो भी है, इसके अंदर फूड आइटम मेनली, इसके अंदर जो है, फूड आइटम भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, इसके अंदर कौन सा एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए, हर पेपर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए सिंपल सी बात है, लेमन जो होता है, लेमन और ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो खट्टा दूध होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है लैक्टिक। ये तो याद हो जाएगा, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, सोर मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड होता है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। लैक्टिक लैक्टिक मतलब लैक्टोमीटर क्या काम आता है, मिल्क की प्योरिटी नापने के लिए, तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए ग्रेप्स पे, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड कैसे याद करेंगे इसको, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में क्या होता है, ये ग्रेप है, इस ग्रेप पे जो है तार तार लगे रहते हैं डिफरेंट से, जब इसको ग्रेप को तोड़ के खाते हैं आप, जो ये तार होते हैं इसी से आपको याद करना है, ग्रेप्स में तार होते हैं, तार मतलब टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड इसके अंदर एसिड होता है, तो ऐसी चीजों को रिलेट करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल, अब एप्पल कौन खाता है ज्यादा, रिलेट कर ये सोचिए कि माँ आदमी जो है, मैन जो है वो ज्यादा एप्पल खाता है, ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, या मेल जो है ज्यादा खाता है, तो एप्पल का जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक मतलब यहां मेल आ गया, यानी कि मेल ज्यादा खाता है एप्पल। ठीक है, तो इससे रिलेट करें, अब रिलेट करके चीजें झट से याद हो जाएंगी, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं पूछूंगा ग्रेप्स, आप सोचेंगे ग्रेप में तार तार है, यानी कि टार्टरिक एसिड है, एप्पल एप्पल मेल खाते हैं तो मैलिक एसिड है, तो ऐसे रिलेट करना है। टोमेटो, टोमेटो के अंदर कौन सा है, ऑक्जैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जैलिक एसिड आप कैसे भी याद करेंगे, ऑक्स जो है, ऑक्स सोचिए जहां पे, जिस कंट्री में ऑक्स है तो उनके जो है उनके ऊपर टमाटर मारे जाते हैं, या फिर इस तरह कोई सी भी रिलेट कीजिए, ऑक्स जो है टमाटर जैसा दिखता है, कैसे भी रिलेट करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। रेड आंट, ठीक है, जो चींटी होती है, लाल कलर की चींटी होती है, जो काट लेती है, बहुत देर दर्द करता है, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे इस चीज को, सिंपल सी बात है कि जो आपकी आंट है, यानी कि जो भी ये चींटी होती है, ये फोम वगैरह क्रिएट करती है अपने मुंह, अपने जो इनके जो दांत होते हैं या फिर जो इन चीज से काटती है, उसके अंदर एक फोम क्रिएट करती है, और उस फोम को जब हमारे ऊपर जब वो लगेगी तो हमें बहुत दर्द होता है, तो रेड आंट जो है फॉर्मिक एसिड, इस तरह याद कर लीजिए इसको। आई वॉश, आंखें जिस चीज से धोते हैं वो कौन सा, एक तरह से जो एसिड वहां पे यूज करते हैं उसमें होता है बोरिक, बोरिक एसिड, कैसे याद करें, बोर, बोर क्या होता है, एक तरह से जो हमारी ट्यूबवेल लगाया जाता है, ट्यूबवेल के लिए बोर किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, तो गड्ढा किया जाएगा तो बोर किया जाएगा तभी पानी निकलेगा, और पानी से हम अपनी आंखें धो लेंगे तो आई वॉश करेंगे तो बोरिक एसिड, ऐसे रिलेट करना है। देखिए हो सकता है आपको ये मजाक भी फनी लग रहा हो, लेकिन जब एग्जाम में ये चीज याद करके जाएंगे, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप वो चीज सही कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर की प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं आप, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब मैं सारी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स आप भी बना लीजिए, सारी मैं बताऊंगा तो फिर आपको जो है पक्का पकाया माल मिलेगा और आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करें। डाइजेशन के में कौन सा होता है, एचसीएल, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे डाइजेशन में, जो हमारा बाइल जूस होता है उसके अंदर ये निकलता है। ठीक है,
या फिर गैस्ट्रिक जूस भी इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, HCl। HCl में अगर आप डाल देंगे एक लोहे को तो भी पिघल जाता है। तो इतना जो है जूस हमारे पेट के अंदर होता है जो डाइजेशन के काम आता है। फैट के लिए कौन सा होता है? स्टेरिक एसिड। फैट के अंदर स्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा मैंने बताए हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मोस्टली मोस्टली जो पूछे जाते हैं। एक विनेगर का और देख लीजिए, विनेगर, विनेगर का कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। आप देखिए रिलेट करके देखिए, मैंने सारी चीजें बता दी। लेमन, ये तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सोर मिल्क, मिल्क किससे? लैक्टिक से। ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स में तार होते हैं, टार्ट्रिक हो गया। एप्पल मेल खाते हैं, मैलिक एसिड हो गया। टोमेटो ऑक्स पे मारे जाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो। रेंट आंट फोम बनाती है, फॉर्मिक एसिड हो गया। आई वॉश जो है, बोर, पानी बोर से निकालेंगे तो बोरिक एसिड हो गया। तो ऐसे सारी चीजें याद हो जाएंगी। याद करना इस दुनिया में सबसे आसान चीज है, मुझे ऐसा लगता है। एक टाइम था जब मुझे चीजें जो है, मैं भी सोचता था याद करना बहुत टफ है, लेकिन अब जब याद करने के ट्रिक्स बनाएंगे, तरीके बनाएंगे, बहुत तरीके होते हैं। निमोनिक्स तो हो ही गया, उसके अलावा और भी एक तरीका जबरदस्त बताऊंगा आपको, कैसे मैं जब फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ऐसे याद हो जाएंगी कि आपको जिंदगी में फंडामेंटल ड्यूटीज भूलेंगे ही नहीं आप, ठीक है। तो तरीका कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आप चाहता हूं पढ़ाई आपको ऐसे कराई जाए ताकि आपको मजा आए। अब देखिए कुछ एसिड्स की बात करें, जैसे HCl हो गया, मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये कहां पे, जैसे हमारा ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, उसके अलावा बाथरूम क्लीनर जो है, बाथरूम क्लीनर के अंदर भी HCl यूज किया जाता है। लेदर की टैनिंग की जाती है, लेदर की टैनिंग के अंदर भी यूज होता है। डाइंग के अंदर होता है, टेक्सटाइल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलेटाइन फ्रॉम बोन्स, ठीक है, जो बोन्स से जेलेटाइन बनाया जाता है तो उसमें भी जो है काम आता है, ये बोन से हड्डियां जो होती हैं तो उसमें भी HCl काम होता है, ठीक है। ये HCl के कुछ यूज यूज बताएं। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड ये किस लिए बताया था मैंने? नाइट्रिक एसिड बताइए, बताया था मैंने प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो नाइट्रिक एसिड जो बोलते हैं HNO3, ठीक है, HNO3 इसको बोलते हैं। तो इसके क्या क्या यूजेज हैं? फर्टिलाइजर्स के अंदर होगा, नाइट्रोजन है तो फर्टिलाइजर्स में होगा ही होगा, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स बनाने में, अब एक्सप्लोजिव्स के लिए भी बोला जाता है ना, फर्टिलाइजर बहुत यूज किया जाता है। TNT हो गया, डायनामाइट हो गया, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अभी क्या क्या नीम कोटेड करने लगे हैं, ठीक है, जो आपका फर्टिलाइजर है उनको नीम कोटेड करने लगी है गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या है? नाइट्रेट्स इन द सोइल, जैसे पहली जब बारिश होगी तब भी आपको नाइट्रिक एसिड उसके अंदर मिलेगा, सोइल के अंदर भी नाइट्रेट मिलता है। और क्या है आपका? रेयन जो बनाया जाता है, ठीक है, रेयन, RAYUN, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपका ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स हो गया, डाइंस हो गया, ये सब चीजों में जो है आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4। H2SO4 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ काम आता है? जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, आपकी लेड स्टोरेज बैटरी में जो है आपका काम आता है, और HCl बनाने में भी काम आता है। एलम, एलम बनाने में भी काम आता है, क्या? H2SO4। तो ये तीन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इनको जो है याद कर लीजिए इनके क्या क्या यूज है। थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, 2 घंटे की चली जाए तो उसके लिए सॉरी। आपको मैं चाहता नहीं 2-3-4 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और जो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करूं। नेक्स्ट है टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड के भी कुछ यूज देख लीजिए। टार्ट्रिक मैंने बताया था, टार्ट्रिक मतलब तार, तार 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 किसमें था? ग्रेप्स में। तो ये जो है पिकल्स के अंदर, पिकल्स को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है ये। बेकिंग सोडा के अंदर, बेकिंग सोडा का जो कंपोनेंट होता है एक, वो भी टार्ट्रिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिया कौन कौन से, HCl स्ट्रॉन्ग हो गया, HNSO4 हो गया, और आपका H2SO4, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो यहाँ पे हमारे एसिड्स खत्म होते हैं। इसके अलावा जाते हैं हम बेस, ठीक है। बेस के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? एक तो टेस्ट करने में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं एक तरह से, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? रेड, जो ये लिटमस पेपर है उसको ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू को। जो मैंने ऊपर वाला बताया था, मैं आपको पूरा नहीं बता पाया, जो हमारा एसिड है, एसिड के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये उल्टा करता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है बेस। तो आपको पता चलता था बेस है या आपका एसिड है। अब देखिए ये क्या काम करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है बेस कौन कौन से है? NaOH है,
के ओ एच, ठीक है। और ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को ये येलो में, जो है येलो में चेंज कर देता है बेस। मिथाइल ऑरेंज पे अगर आप बेस डालेंगे तो यानी कि जैसे एन ए ओ एच डालेंगे आप, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, येलो में। जबकि एसिड ने किसमें कन्वर्ट किया था, मिथाइल ऑरेंज को, पिंक के अंदर, ठीक है। तो चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो है आपको पता होना चाहिए, पीएच स्केल होता है कि एक्चुअली में नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर। ऐसे याद रखिए, पीएच क्या है, एक तरह से माइनस लॉग एच पॉजिटिव, तो ये बोलते हैं पीएच, ठीक है। पीएच की कंसेंट्रेशन बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है एसिड है बेस। अगर देखिए जैसे पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आएगी तो वो होता है एसिडिक, अगर ग्रेटर देन 7 आएगी तो वो होगा बेस, और इक्वल टू 7 आएगी तो वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। पीएच की वैल्यू से पता चलता है पीएच क्या होता है, मैंने बताया नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के अंदर कितनी जो है हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है नेगेटिव लॉगरिदम में, उसको बोलते हैं हम पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या, आप देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे मिल्क है हमारा, मिल्क की पीएच कितनी है, 6.5, यानी कि ये भी मिल्क जो है एक तरह से एसिडिक होता है, ठीक है। उसका ब्लड, ब्लड बेसिक होता है क्योंकि इसका 7.4 जो होता है, इसकी पीएच लेवल 7.4 रहता है। प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर जब आप पियेंगे तो न्यूट्रल लेवल पे होगा। सेलाइन वाटर एसिडिक होगा। आपकी वाइन जो है, वाइन पीते हैं आप तो 2.8 यानी कि एसिडिक होगा। सी वाटर, सेलाइन वाटर और सी वाटर, ठीक है, सी वाटर जो है 8.5 यानी कि ये एसिडिक नहीं होता, बेस होता है, ठीक है, बेसिक होता है। ये कहते हैं जब ये कहते हैं एन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब जब एसिड मिलेगा किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एसिड और बेस जब आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब सॉल्ट के क्या क्या यूजेज हैं ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपका सोडियम आयोडेट है, सोडियम आयोडेट क्या काम करता है, ये आपकी जो गोएटर की जो बीमारी होती है, गोएटर डिजीज जो होती है, गोएटर की डिजीज जो होती है सोडियम आयोडेट, इसलिए कहते हैं सोडियम आयोडेट आयोडीन होना चाहिए, सोडियम और आयोडीन आपके नमक के अंदर, जिसके नमक के अंदर सोडियम आयोडीन नहीं होता, आयोडीन नहीं होता, उसको जो है गोएटर की डिजीज हो जाती है, ठीक है। गले के अंदर जो लटकता है ना वो शायद गोएटर, उसी को बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये क्या, कौन सा सॉल्ट रहता है इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, पिकल के लिए सोडियम बेंजोएट, ये सारे जो है सॉल्ट के अलग अलग यूज है। इसके अलावा मॉइस्चर, गैस जो है, गैस से मॉइस्चर को रिमूव करना, मॉइस्चर को रिमूव करना गैस से, तो उसके लिए कौन सा जो है सॉल्ट यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। डिसइन्फेक्टेंट से के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, डिसइन्फेक्टेंट्स, इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, जब आपका पानी वगैरह गंदा हो जाता है ना तो ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत जगह यूज किया जाता है, तो गंदा यानी कि उसके अंदर जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, या फिर आपका जो है, आपको आपको जब शेविंग करके आप आते हैं, शेविंग कराते हैं तो देखा आपने एक वो व्हाइट कलर का सब वो रब करते हैं आपको, ठीक है, तो वो क्या होता है, अलम, वो भी एक सॉल्ट ही होता है, अलम उसको बोलते हैं। तो या शेविंग करा, शेविंग आप करा के आते हैं, लड़कियां तो नहीं, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, जो शेविंग करा के आते हैं, तो जो आपको जो नाई की दुकान पे, ठीक है, बार बार दुकान पे जो अलम यूज करते हैं ताकि आपको जो कट कुट हुआ है वो कट वगैरह जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए अलम यूज किया जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेज। अब गैसेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। गैसेस देखिए कुछ लॉज होते हैं गैसेस के लिए, एक तो है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एक पूरी इक्वेशन याद कर लीजिए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपको याद रहे तो आपको सब चीज रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ, इसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे किसी गैस का तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कैसे, अगर ये गैस आपकी इतने एरिया में है, ठीक है, गैस फैली हुई है, आपने इसमें प्रेशर दबाया, प्रेशर बढ़ाया तो ये गैस कितने में आ जाएगी, ये मॉलिक्यूल जब
दूर दूर थे, अब मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो आपने ये एरिया तो हटा दिया, ये एरिया नीचे वाला रह गया, तो आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम पहले इतना था, इतना वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम कितना हो गया, इतना छोटे वाला। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बॉयल्स लॉ इसको बोलते हैं। इसी तरह चार्ल्स लॉ है। अब देखिए वी और पी इनडायरेक्टली कैसे हैं, ये देखो ये पी वी है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, या जो आर है आर भी सेम है आपका, जिसको गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, एन भी सेम है, तो ये सेम है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये सेम है, हर बार चेंज नहीं होगा ये। तो पी वी क्या हो गया, पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वी, क्योंकि वी इधर आएगा तो वी यहाँ आ गया, तो पी क्या हो गया, वी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो इक्वेशन है इससे सब याद होंगे। चार्ल्स लॉ क्या आता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसी तरह वाइस वर्सा, वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ होता है। इसके लिए तो बोलते हैं गे लसेक्स ला, ठीक है, गे जी ए वाई गे लसेक्स ला जो होता है ये बोलता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करेंगे टेम्परेचर कम होगा। तो ये बोलते हैं इसको गे लोसेक्स लॉ। इसके अलावा होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जो मैंने ऊपर आपको बता दी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, याद रखिए इसको। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, थोड़ा पता होना चाहिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, ये बोलते हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है, किसी कमरे का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, प्रेशर भी उसका चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर भी मैंने कहा पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, यानी कि जो आपकी आर वन होगा आर टू होगा इज, या बोल सकते हैं आर वन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि जो सिमिलर कंडीशन, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो जो भी कोई गैस डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, जो उसका रेट है डिफ्यूजन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जो उस डेंसिटी डेंसिटी है इस गैस की, किसी गैस की डेंसिटी होगी किसी की ज्यादा किसी कम, तो डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट सॉरी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डेंसिटी का स्क्वायर रूट होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं, दो गैसेज को लेंगे आर वन आर टू, तो यहाँ डी टू हो गया, यहाँ डी वन हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ग्राम्स लॉ आ गया किस चीज से रिगार्डिंग, गैस से है, लिक्विड से है, सॉलिड से है, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, गैस की बात की थी, डिफ्यूजन की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एनोड के बारे में, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड के बारे में पता होना चाहिए। एनोड क्या होता है, हमेशा एनोड जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है एनोड बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, कैथोड पे जो नेगेटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन। अब ये आप जाएंगे पूरा फिजिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन क्या, बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको इतना याद नहीं कि आप जर्नलिस्ट की जॉब लेना चाह रहे हैं, स्पेशलिस्ट नहीं बन रहे। अब डायमंड पे बात आ जाए, डायमंड किसका एलोट्रोप है, कार्बन का, तो डायमंड जो है, डायमंड ऐसा माना जाता है कि हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है, ये कार्बन का ही आइसोटोप है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, कॉल्ड ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है, कार्बनेडो कंटेन्स ट्रेस ऑफ ग्रेफाइट। ये कह रहे हैं कि ब्लैक जो डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड जो होता है उसमें क्या मिलता है, कार्बनेडो, कार्बनेडो कहा जाता है, ब्लैक डायमंड को कार्बनेडो कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्रेफाइट के ट्रेस भी पाए जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि कार्बनेडो क्या होता है, ब्लैक डायमंड को ही कार्बनेडो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट मिलता है। अब दूसरा हम पढ़े ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का ही आइसोटोप है, आइसोटोप मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। तो आइसोटोप जो है ये क्या होता है, ये लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ग्रेफाइट ही होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि काफ़ी 50 मिनट की वीडियो हो गई थी और कंटिन्यू बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है, टू एंड मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, कोई ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है सेम है, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला स्वयं सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है और लेकिन जो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये याद रखिए। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक देखिए थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जैसे आपकी पॉलिथीन वगैरह होती है उसको पिघला के दोबारा जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन थर्मोसेटिंग्स में क्या होता है, एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है। एक बार ये बन गया तो जो है वो टूटेगा, यानी कि पिघल के दोबारा जो है बन नहीं सकता, तो इसको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक में क्या आते हैं, जैसे मैंने बताया पॉलिथीन हो गया आपका, टेफलोन हो गया, उसका पीवीसी हो गया आपका, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। इसके अलावा थर्मोसेटिंग से क्या होता है, बेकेलाइट आपका, ग्लाइफिटल, टेरेलीन, ठीक है, ये सब आते हैं थर्मोसेटिंग्स में। अब बेकेलाइट से आप क्या क्या बनाते हैं, बेकेलाइट से आपको जो आपकी कॉम्ब होती है, कंघी होती है, वो उसी से बनती है, फाउंटेन पेन हो गया, फाउंटेन पेन हो गया। उसके बाद फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये भी किसी से बनाए जाते हैं, ये भी बेकेलाइट से, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। ये कहते हैं देखिए जब आपका नेचुरल रबर होता है, आपको होता है नेचुरल रबर जो है वो इतना इलास्टिक नहीं होता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, तो उसको जो है एक तरह से स्ट्रेंथ देने के लिए वोल्केनाइजेशन किया जाता है, वोल्केनाइजेशन स्ट्रेंथ देने के लिए। तो उसी के लिए जो क्या यूज किया जाता है, सल्फर यूज किया जाता है या फिर SF6, ठीक है, ये यूज किया जाता है वोल्केनाइजेशन के लिए। वोल्केनाइजेशन क्या होता है, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, कि रबर की जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें तो होगी बेसिक। अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्यूल के बारे में, ठीक है। फ्यूल के बारे में देखिए कुछ फ्यूल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे वाटर गैस, वाटर गैस क्या होती है, सिन गैस भी इसको बोलते हैं, सिन गैस। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस, उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस कैसे बनाई जाती है, ये बनाई कैसे जाती है, ये कहते हैं प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कोक इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिनकी जैसे कोक बनाया गया और लेकिन जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, ये चीपर वे होता है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो इस वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है कम हो जाती है प्रोड्यूसर गैस की। लेकिन बनाई कैसे जानती है, बर्निंग ऑफ कोक इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, ये। उसके बाद नेक्स्ट है ऑयल गैस, ऑयल गैस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ये किस किस का मिक्सचर है, H2 प्लस CH3 मीथेन C2H2, ठीक है, प्लस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें मिलके जो है ऑयल गैस बनाती है। ये कहते हैं कि ऑब्टेंड बाय थर्मल क्रैकिंग ऑफ कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल का जो है, कैरोसिन ऑयल का जब थर्मल क्रैकिंग करेंगे तो उससे जो ऑयल गैस बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है गोबर गैस, गोबर गैस तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, गोबर गैस कैसे फर्मेंटेशन वगैरह किया जाता है। गोबर गैस में क्या होता है, मेजर तो होती है मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ जो है पार्ट H2 का भी होता है, मेन तो ये होती है गोबर गैस के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। अब नेचुरल गैस क्या होती है, देखिए नेचुरल गैस जो हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे होते हैं वो सब नेचुरल गैस जो है उनसे उनसे ही आती है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं। तो जो आपकी नेचुरल गैस होगी, नेचुरल गैस में क्या होगा, HCH4
85% CH4 होता है, 85%, ठीक है। और आपका जो है इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन हो गया, ये सब इसी में आते हैं, नेचुरल गैस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब एलपीजी है, एलपीजी के बारे में पता होना चाहिए, एलपीजी में क्या क्या चीज होती है। ब्यूटेन होता है, आइसो ब्यूटेन होता है मेनली, ठीक है। तो ये एलपीजी के अंदर होता है, ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखिए जो आपका नॉर्मल जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, आपको कैसे पता चलता है गैस लीक हो रही है। देखिए गैस की एक स्मेल होती है, वो एक्चुअली गैस की स्मेल नहीं होती, लेकिन वो जो है डाली जाती है उसके अंदर, ताकि अगर गैस लीक हो तो पता चल जाए। तो वो क्या चीज़ होती है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आप भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए उसका लास्ट कोल कोल के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोल के अलग अलग वैरायटी होती है, कैसे ये चीज याद करनी है आपको कोल की। जैसे एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट ब्यूटुमिनस लिग्नाइट और पीट, ठीक है। कैसे याद करनी, देखिए ए बी फिर एल और फिर पी, सीक्वेंस में आ रहा है ये, यानी कि ए पहले आएगा फिर बी आएगा फिर एल आएगा फिर पी आएगा। तो इसी तरह इनकी क्वालिटी होती है, इनकी सबसे ज्यादा अच्छा कोल एंथ्रासाइट होता है, 90 से 95% इसके अंदर कार्बन होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। फिर आप आएंगे ब्यूटुमिनस में, तो इसमें जो है 75 से 80% तक कार्बन होता है। जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा जो है फ्यूल होता है या कोल होता है। इसके अंदर 75 से 80 हो गया, तो इसके अंदर 60 से 70 होता है, इसके अंदर 50 से 60 होता है। पीट लिग्नाइट ब्यूटुमिनस एंथ्रासाइट, तो जितने ज्यादा कार्बन होगा उतना ही अच्छा कोल होगा। तो एंथ्रासाइट ए बी सी ए बी एल पी जो है एक पूरी सीक्वेंस है, ये जो हमारी पूरी आपकी जो अल्फाबेट्स हैं उसमें सीरीज से आप याद करेंगे तो जो स्टार्टिंग में आएगा उसके सबसे ज्यादा कार्बन है सबसे ज्यादा अच्छा कोल है वो, दूसरा वाला उससे कम अच्छा है, तीसरा वाला उससे कम है, और सब पीट जो है सबसे डिग्रेडेड कोल है एक तरह से, ठीक है। कि सबसे देखिए कार्बन कम होगा तो जलेगा नहीं, जलेगा प्रॉपर नहीं तो उस फायदा क्या है उस कोल का। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में, थोड़ा ही लेक्चर बचा है, ज्यादा नहीं बचा, टेंशन मत लीजिए। मेटलर्जी में सबसे पहले बात है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये कहते हैं सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव द इंप्योरिटी ऑफ फ्लक्स, इंप्योरिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। देखिए कोई भी ओर है आपका, ओर कई चीजों से बना होता है, ठीक है। तो जब उससे मान लो आयरन निकालना है हमें, आयरन हमें निकालना है, सॉरी एफ ई आयरन हमें निकालना है, तो आयरन निकालोगे तो किसी और से निकलेगा, उसमें डायरेक्ट आयरन तो नहीं रहेगा, तो उसमें जब फ्लक्स ऐड करेंगे तो फ्लक्स जो है इंप्योरिटीज को हटा देता है और जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये बोलते हैं प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसी भी ओर को जब हीट करते हैं एयर का एब्सेंस होता है, एयर नहीं होती, ठीक है। टू एक्सपेल वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो उससे क्या करते हैं पानी को जो है एक्सपेल वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड और CO2। तो इस ओर के अंदर से एयर की प्रेजेंस ही नहीं होती, जो आपका वाटर है उसको भी एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कार्बोनेट एट टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ओर का, उस मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, यानी कि उस मेल्टिंग पॉइंट के बिलो जब ले जाते हैं, टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट पे जब आपका जो वाटर होगा उसको एक्सपेल कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, समझ लीजिए, समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट तक इसलिए वीडियो देखनी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रोस्टिंग क्या है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप डेली यूज में आपके काम भी आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज जाते हैं। अभी बताऊंगा, जब स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा, अभी रोस्टिंग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये बोलते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन में क्या पढ़ा था, ओर को हीट किया एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन इसमें क्या है प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का प्रेजेंस रहेगा और करेंगे उसको गर्म मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑक्साइड ओर को अलग करना तो किसकी मदद से, विद कार्बन और कितने हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। आप कुछ ओर और मेटल देख लीजिए, यहां से शुरुआत होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, जो आप मिस नहीं कर सकते। देखिए ओर और मेटल, सॉरी, ठीक है, ओर और मेटल, देखिए कौन सा, बॉक्साइट, बॉक्साइट से कौन सा ओर निकाला है और कौन से कौन सा मेटल निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है, BauXIT। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान दीजिए क्योंकि मैं, मेरा कंसंट्रेशन है आपको समझाने का। सीनाबार, सीनाबार से क्या निकलेगा, मरकरी।
गैलीन, GALENA, गैलीना जो भी आप बोलते हैं, इससे निकलेगा लेड, ठीक है। स्मेलाइट, SMELITE, स्मेलाइट से क्या निकलेगा, कोबाल्ट। उसके बाद आ जाइए जिप्सम, जिप्सम से क्या निकलेगा, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम CASETERIT, कैसेराइट, कैसेराइट जो भी आप बोलते हैं, इससे टिन निकलेगा, टिन का सिंबल क्या होता है, SN। इसके अलावा मिलेराइट, मिलेराइट से क्या निकलेगा, निकल। उसके अलावा पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से क्या निकलेगा, यूरेनियम, ठीक है। तो ये सारे ये ओर्स हैं, इससे ये मेटल निकलते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, सीनाबार से मरकरी, गैलीना लेड, स्मेलाइट से कोबाल्ट, जिप्सम से कैल्शियम, और आपका कैसेटाइट टिन, और मेलेराइट निकल, और पिच ब्लेंड से निकलेगा यूरेनियम, ठीक है। इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अलॉय और कंपोजिशन देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अलॉय और कंपोजिशन क्या है इसकी, ठीक है, कंपोजिशन क्या है। अब अलॉय जो आपका ब्रास होता है, ब्रास में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, कॉपर प्लस जिंक। मैं ये परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ कितनी, क्योंकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज के अंदर आपका होता है कॉपर प्लस टिन। उसके बाद जर्मेन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं, जर्मन सिल्वर, जर्मेन नहीं, जर्मन सिल्वर, उसके अंदर होगा आपका कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, ये चीज होती है। गन मेटल, गन मेटल के अंदर होगा बिस्मिथ और आपका पीबी, लेड प्लस एसएन, गन मेटल, सॉरी एसएन, सॉरी गन मेटल बता रहा हूँ, एक मिनट, गन मेटल के अंदर होगा कॉपर, यहाँ पे टिन, ठीक है, उसके अलावा होगा आपका जिंक प्लस पीबी, ठीक है। ये नहीं होता, बिटुमेंस नहीं होता, वो आगे रोज रोज मेटल में होता है, वो रोज मेटल में, रोज मेटल में बिस्मिथ होगा आपका, पीबी होगा प्लस एसएन, टिन हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक फ्यूज भी इसको बोलते हैं, रोज मेटल को जो है एक तरह से इसको ऑटोमेटिक फ्यूज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा दो तीन और देख लेते हैं, सोल्डर, जिससे आप सोल्डरिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, लेड होता है प्लस टिन होता है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील, आपके घर पे स्टेनलेस स्टील है तो वो किस चीज से बना हुआ, वो बना है Fe, आयरन से, क्रोमियम, निकल प्लस कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होता है, ये याद रखिए, कार्बन होता है। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ अगली 10 मिनट के अंदर, बिल्कुल उसको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल जो है समझने की कोशिश करना है। देखिए क्लोरीन जो होता है, CHLORINE, ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन से क्या है, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का नाम सुना आपने, ये काफी बार जो है कोशिश की जाती है, वर्ल्ड वॉर वगैरह उस जगह यूज की जाती है, मस्टर्ड गैस बहुत खतरनाक होती है। तो ये किससे बनती है, मस्टर्ड ये नाम है, ठीक है, सरसों हो जाती है मस्टर्ड, लेकिन ये क्या है, क्लोरीन इसमें यूज होती है, फॉर्मेशन मस्टर्ड गैस। और ब्लीचिंग पाउडर जो बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, तो उसमें भी जो है क्लोरीन यूज होती है। नेक्स्ट है अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया कहाँ पे होती है, जो रीजेंट ऑफ आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री के अंदर यूज की जाती है अमोनिया। नेक्स्ट है NO2, NO2 तो बहुत है, लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, सर्जरी में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपकी CO2, सोडा वाटर यूज करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर के अंदर होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्यूशर, जो आप आग बुझाने के जो सिलेंडर देखे होंगे ना, एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, याद रखिए इस चीज को। मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक एसिड, सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो भी ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है पॉइजन, जहर जो होता है ना, उसके अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज किया जाता है। प्लस ऑइंटमेंट, जो आपकी ऑइंटमेंट होती है लगाने की, घाव वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर भी यूज किया जाता है मर्क्यूरिक एसिड, याद रखिए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम, कैल्शियम कार्बाइड, मैं सिर्फ चीजें लिखूंगा आप समझिए, कैल्शियम कार्बाइड,
ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड किसके लिए यूज होता है? एसिटिलीन के लिए यूज होता है, एसिटिलीन गैस बनाने के लिए, एसिटिलीन गैस, साइनाइड गैस, साइनाइड गैस, ठीक है। साइनाइड गैस के बारे में पढ़ा है आपने, पूरा जो साइनाइड का पूरा जो प्लांट था जिसके अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है, तो वो भी जो इसी से कैल्शियम कार्बाइड का ही जो प्लांट था। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर होता है? टूथपेस्ट, आपका टूथपेस्ट जो है उसके अंदर, अब तो नमक आने लगे है टूथपेस्ट में, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड जो है, कार्बोनेट सॉरी, तो ये उसी में यूज होता है, CaCO3 इसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूपिक ऑक्साइड, क्यूपिक ऑक्साइड ये कहाँ पे यूज होता है? क्यूपिक ऑक्साइड आपका ब्लू और ग्रीन जो ग्लासेस बनाए जाते हैं, ब्लू और जो ग्रीन ग्लासेस बनाया जाता है उसमें क्यूपिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जो है ये रैट्स, रैट्स को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसके अंदर यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा हो गई, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है मिनरल्स की जरूरत होती है, अगर कॉपर की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, हमें विल्सन डिजीज हो जाती है, विल्सन डिजीज हो जाती है कॉपर की अगर मात्रा आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। आप देखिए जब रस्टिंग होती है यानी कि जब जर लग जाता है आयरन को, आयरन को जब जर लग जाता है तो उसमें वो क्या होता है, वो एक्चुअली में केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, और उसके अंदर क्या होता है जो आयरन है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, याद रखिए वेट जो है रस्टिंग से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड में क्या है, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर प्रूफ जो कपड़े बनते हैं ना उसमें कैल्शियम हाइड्राइड यूज होता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। इसके बाद, इसके अलावा देखिए बहुत सिंपल चीज है, गन पाउडर, गन पाउडर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। नेक्स्ट होता है निक्रोम वायर, निक्रोम वायर का सुना होगा काफी, ये जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक जो हीटर होते हैं ना आपके घर में, अब तो नहीं रहा है वो बात, लेकिन निक्रोम वायर उसमें जो है, नाइक्रोम वायर जिसको बोलते हैं वो यूज की जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जियोलाइट के बारे में, जियोलाइट, एक मिनट, जियोलाइट देखते हैं, ठीक है। जियोलाइट, जियोलाइट जो है ये यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस जो है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हार्डनेस वाटर की, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट यूज किया जाता है, याद रखिए इस चीज को। देखिए कितनी चीजें बता रहा हूं, ये एक बार में याद नहीं होंगी, आपको लगेगा यार कितनी चीजें हैं, जब इसको दो बार तीन बार दोहराएंगे आप अपने आप चीजें आपको रिलेट करने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब मैं नाम बताता जाऊंगा खुद लिख लीजिए, सोडियम परोक्साइड, सोडियम परोक्साइड किसके लिए यूज होता है? यूज टू प्योरीफाई, प्योरीफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो क्लोज्ड एयर होती है उसको यूज करने, जो है प्योरीफाई करने के लिए सोडियम परोक्साइड यूज किया जाता है। उसके अलावा देखिए कोबाल्ट 60 के बारे में सुना होगा आपने, कोबाल्ट 60 ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। उसके अलावा अनियन जो है, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इसके अंदर आपको एक स्मेल नजर आती है, वो किसके कारण होती है? वो पोटासियम के कारण होती है, ठीक है, पोटासियम, पोटासियम कारण होती है। उसके अलावा देखिए लिथियम जो है, लिथियम जो है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट क्या बताया था मैंने, हाइड्रोजन। उसके अलावा क्या है, फायरवर्क, फायरवर्क जो आपका होता है जिसमें रेड कलर आपको दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, जब आप पटाखे छुटाते हो तो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, स्ट्रोंटेनियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, STRONTIUM, SR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम, ऑस्मियम जो हैवीएस्ट मेटल है, मेटल हैवीएस्ट मेटल। और प्लेनेट जो आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है ये हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट मेटल, ठीक
ठीक है। उसके अलावा बात करें हम सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ कहाँ यूज होता है, जो इलेक्शन में जो आपके स्याही लगाई जाती है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है ये आपकी सिल्वर आयोडाइड, ये आपकी जो बारिश होती है ना आर्टिफिशियल रेन जो आजकल चाइना वगैरह में यूज की जा रही है, हमारे साउथ में भी एक दो बार यूज की रही है, सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड से जो वाटर के मोलिक्यूल्स है वो पास आ जाते हैं, तो उससे ये हो जाता है, यानी कि बारिश हो जाती है इससे, ठीक है। इसके अलावा क्या, आयरन, आयरन पायराइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको फूल्स गुड बोलते हैं, यानी कि बेवकूफों का जो गोल्ड है ना, गुड नहीं गोल्ड, फूल्स गोल्ड बोला जाता है किसको, मैं आयरन पायराइट, Fe S2, ठीक है, Fe S2 जो है फूल्स गोल्ड बोला जाता है इसको। चलिए थोड़ी सी और बेसिक चीजें देख लेते हैं, 5 मिनट की वीडियो हो रहा है, ज्यादा नहीं है। देखिए ये कहते हैं मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक लिक्विड भी है, मैंने आपको कहा था एक लिक्विड भी है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, लिक्विड कौन सा है, वो है Br2, ठीक है, याद रखिए इसको। इसके अलावा क्या है, प्रोटियम इज द ओनली वन आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल हैविंग जीरो न्यूट्रॉन, एक ऐसा जो है प्रोटियम, प्रोटियम ऐसा है जो ऐसा ओनली एक ऐसा आइसोटोप है जिसके जीरो न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन हमें क्या पढ़ा था, ठीक है, न्यूट्रॉन हमें क्या पढ़ा था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी कि हमने पढ़ा था अगर ये 6 है ये 12 है तो इनका जो डिफरेंस होता है वो प्रोटॉन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटियम के अंदर कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर होगा ये सेम होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है जीरो आ रहा है, तो इसलिए जो है न्यूट्रॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीजें जैसे आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। बहुत से एग्जाम में जो आपके पीसीएस वीसीएस के एग्जाम है डायरेक्ट यही चीजें पूछी जाती है, और जब पूछी जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने वो चीज एक बार ही पढ़ी होती है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, और पढ़ना तो यही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करें तो उससे अच्छा है अच्छे से मेहनत करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, देखिए टेम्पोरेरी जो हार्डनेस है पानी की वो किसके कारण होती है, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, ये होती है बायोकार्बोनेट, बायोकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बायोकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जबकि जो परमानेंट आपकी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस वो किसके कारण होती है, वो आपकी होती है, यहां पे देखिए बायोकार्बोनेट था, यहां बायोकार्बोनेट, यहां क्लोराइड, क्लोराइड्स एंड सल्फर, ठीक है, एक मिनट, क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है तो वही कैल्शियम और मैग्नीशियम का, लेकिन यहाँ पे बायोकार्बोनेट के कारण टेम्परेरी होती है और आपका क्लोराइड और सल्फेट के कारण आपकी जो होगी परमानेंट हार्डनेस, याद रखिए बायो आ गया यानी कि टेम्परेरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए रिमूव कैसे होती है, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कैसे होगी, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस एक तो बॉइलिंग करेंगे तो उससे रिमूव हो जाएगी, बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक मेथड होता है क्लार्क्स मेथड, सी है क्लार्क्स मेथड होता है, उससे भी रिमूव होती है, लेकिन आपकी जो परमानेंट होती है परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव होगी ये याद रखिए, इसके लिए जो है सोडा एश यूज किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3, फॉर्मूला याद नहीं होगा Na2CO3, लेकिन सोडा एश याद रखिए परमानेंट हार्डनेस के लिए, और टेम्परेरी हार्डनेस के लिए आपका होगा बॉइलिंग कर सकते हैं, क्लार्क मेथड से भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अमोनिया को एक बोला जाता है, अमोनिया इज यूज इन प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसको बनाने में किसका काम आता है, अमोनिया, ठीक है। चलिए 5-7 फैक्ट और बताने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इनर्ट गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, आरएन हो गया, आरएन से क्या होगी, आरएन से बताइए कौन सी जो है ये, यही एक आरएन ऐसी है जो आपको एटमोसफेयर के अंदर नहीं मिलेगा, अदर हीलियम मिलेगी, नियोन मिलेगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आरएन नहीं मिलेगी। आरएन के बताइए किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअली मुझे याद आ नहीं रही है इसलिए मैं बता नहीं सकता इसको, ठीक है, या मैं देख के बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी इनर्ट गैसेज होती है, और इसके अंदर देखिए कहते हैं जो आपका आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन, आर्गन ये वाली गैस यूज होती है। इसके अलावा बोलते हैं हीलियम जो है,
गैस की बात करें तो हीलियम जो है लाइटेस्ट गैस है, सबसे ज़्यादा लाइट है और ये जलती नहीं, नॉन इन्फ्लेबल है, यानी कि इसके पास आएगी एयर में या कुछ भी जो है हीलियम वगैरह, ये जलती नहीं, नॉन इन्फ्लेबल है, इससे जो है आग नहीं लग सकती, ठीक है। इसलिए इसको बैलून वगैरह में यूज़ किया जाता है, वेदर फिनोमिना में इसको यूज़ किया जाता है, वेदर फिनोमिना में। इसके अलावा जो है आपकी जो ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो ग्लो कैसे करती है, वो करती है नियोन के कारण। तो ये गैसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था, अल्फर्ड नोबल ने, ठीक है। मॉडर्न जो डायनामाइट है किस चीज से बनता है, डायनामाइट किस चीज से बनता है, ये बनता है सोडियम नाइट्रेट से। काफी फैक्ट है मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या करोगे, याद करने पड़ेंगे। आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स क्या है, इसको प्लास्टिसाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं एल्यूमिनियम पाउडर इज मिक्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ फायर। आरडीएक्स के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर भी यूज कर दिया जाता है ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है, टेम्परेचर और स्पीड है, जो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके बाद डायमंड जो है, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, तो उसको बोलते हैं म्यू। म्यू का मतलब होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसलिए डायमंड जो है सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये कहते हैं कि जिप्सम जो आपकी सॉइल है, ये हरियाणा में क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल है उसकी बेसिसिटी अगर कम करनी है, बेसिसिटी अगर कम करनी है तो उसके लिए हम जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम यूज होते हैं हरियाणा पंजाब के अंदर, जिप्सम यूज किया जाता है। इसके अलावा बोन्स जो है, हमारी हड्डियां जो है किस चीज से बनी है, 58% कैल्शियम फॉस्फेट है। कैसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कैल्शियम की जो है मात्रा पूरी होनी चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत हो। तो 58% बोन्स के अंदर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल परफ्यूम होता है, ये किससे बनाया जाता है, जो परफ्यूम आप यूज करते हैं, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट से। ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने भी जब 5-6 बार पढ़े तो अपने आप याद हो गई सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेते हैं वो किस क्या क्या मिक्सचर होता है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम मिक्स की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल जो आपका ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज यूज होती है, ऑक्सीजन तो होगी होगी, हीलियम यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना हो। हैवीएस्ट मेटल मैंने बता दिया आपको, हैवीएस्ट एलिमेंट क्या है, ऑस्मियम है। रेडोन गैस हाईएस्ट, जो सॉरी हैवीएस्ट गैस है वो रेडोन है। रेडोन कब निकलती है, जब अर्थक्वेक आता है तब रेडोन गैस निकलती है। उसके अलावा पोलोनियम, पोलोनियम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके हैं, पोलोनियम के, याद रखिए। जब एक बार पढ़ेंगे ना तो जो ऑप्शन आएंगे आप उसको याद हो जाएंगे, मेंस में थोड़ी लिखना है, ठीक है, तो प्री में लिखना है, प्री में देखना है। इसके अलावा सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड ये कहते हैं लिक्विड ग्लास, ठीक है। लिक्विड इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड इज कॉल्ड, सॉरी, सुपर कोल्ड जो लिक्विड होता है इसको ग्लास कहते हैं। और ये ग्लास कैसे, ये कैसे बनता है, SiO2, ठीक है, सिलिका प्लस ऑक्सीजन, तो सुपर कोल्ड ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज बता रहा हूं आज आपकी, आज इस लेक्चर में, क्रूक्स ग्लास क्या होता है, ये हमारे स्पेक्टेकल्स जो चश्मे होते हैं ना उसके अंदर यूज किया जाता है, क्रूक्स ग्लास। ये क्या करता है, यूवी लाइट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हमारी आईज के लिए हार्मफुल होती है। तो क्रूक्स ग्लास यूज किया जाता है स्पेक्टेकल्स में, जो आपकी यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करे। अब सारी चीजें 2-3-5 बार इस वीडियो को एक ही दिन में देखिए, एक ही दिन में देखिए, और जो है कोशिश कीजिए रोक के मैं जो बता रहा हूँ वो याद आ रहा है कि नहीं। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार, 5-6 बार पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी। और जब एग्जाम आएगा तो जो है एक बार वीडियो रिवाइज कीजिए, सारी चीजें रिवाइज, यानी कि 1.5 घंटे में मैंने आपको केमिस्ट्री की सारी बेसिक चीजें बता दी है। उसके बाद तो हम एनसीईआरटी करेंगे ताकि और आपको डीपर में नॉलेज ले जा सकूं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आप डरे ना उससे, ठीक है। चलिए फिर, इस पार्ट में इतना ही था, काफी टाइम हो गया, 1 घंटे 20 मिनट के करीबन वीडियो होगी, 18 मिनट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।